के बारे में सुना है? वो अकेला ही फौज के बराबर है। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं बागी 2 का काइंड मास्टर ट्यूटोरियल देने वाला हूं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, तो वहां जाके आप जो है बागी 2 का जो बैकग्राउंड लेयर है और जो फ्रंट लेयर है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको काइंड मास्टर ओपन कर लेना है और यहाँ से एम्प्टी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में दोस्तों मीडिया ब्राउज़र ओपन करके आप जो है जो वीडियो बैकग्राउंड वीडियो है उसको आप इंपोर्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा बैकग्राउंड वीडियो है, इसको एक बार प्ले करके आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में मैंने जो है पूरा ऑब्जेक्ट रिमूव करके आपको बैकग्राउंड फाइल दे रहा हूं। तो इस वीडियो पे आपको जो है एडिट करना है, तो आप क्या करेंगे, काइंड मास्टर में एडिट करना है तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि आप जो है इसको छोटे छोटे क्लिप में इसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि ये पहला क्लिप है, तो इतने इतने जो है एक एक क्लिप पर आप वर्क कीजिए। तो चलिए इसको जो है मैं काट देता हूँ एक्स्ट्रा पार्ट, और पहले का जो क्लिप है इस पर हमको काम करना है। तो यहाँ से जो है आप ने जो वीडियो शूट किया होगा तो किस तरह से शूट करना है आप वीडियो को अच्छे से देखिए, और उस हिसाब से जो है आपको मैं जो ओरिजिनल वीडियो फाइल है उसको भी मैं आपको दे दूंगा लिंक में, तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए किस तरह से आपको एक्सप्रेशन के साथ कैमरे को का जो एंगल है उसको सारा चीज़ को देखने के बाद जो है आप अपना वीडियो शूट कीजिए। और मीडिया ब्राउज़र में जाके चलिए मैं जो है अपना जो प्रोजेक्ट है उसको ग्रीन स्क्रीन में कन्वर्ट करके रखा है, तो उसी को मैं आपको फटाफट से बताते जाऊं। ठीक है, तो ये मैंने जो है मेरा प्रोजेक्ट है एडोबी आफ्टर इफेक्ट में जो बनाया था, तो इसको ग्रीन स्क्रीन में मैंने कन्वर्ट कर रखा है ताकि जल्दी से जल्दी आपको ज़्यादा कुछ ज़्यादा टाइम ना लगे और जल्दी से जल्दी मैं बता सकूँ। तो ठीक है, यहाँ से हमने ये हमारा हो गया पहला क्लिप। यहाँ से हम इसको नेक्स्ट कट कर देंगे और यहां से जो है हम क्रोमा की कर लेंगे। तो दोस्तों ये मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है, इस वजह से जो है आपको मतलब ज़्यादा टाइम ना लगे और फटाफट कर सकूँ। तो इसमें जो है आप देख लीजिए आपका जो ग्रुपिंग वगैरह जो है, जो क्रोमा की वगैरह है, सारा चीज़ जो है आपको परफेक्टली करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने पहला सीन क्रिएट कर लिया, तो एक एक सीन इसी तरह से जो है आपको करते जाना है। ठीक है, फिर ये सीन हो गया, क्योंकि मैं इसलिए एक एक सीन बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैंने खुद जो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट में एक एक जो क्लिप होता है एक एक क्लिप उसको मैंने एडिट किया है। और काइंड मास्टर में ऐसा है कि आप अगर पूरी वीडियो को अगर एक साथ एडिट करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपोर्टिंग में प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह से जो है आपने पहला क्लिप हो गया, इसको आप जो है एक्सपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ आपको सिर्फ बताने के लिए। उसके बाद में दोस्तों आपको फिर सेकंड क्लिप पे काम करना है, यानी कि इसको चलिए फिर यहाँ से डिलीट कर दीजिए, इसको डिलीट कर दीजिए और यहाँ से फिर से आप मीडिया ब्राउज़र में जाके इंपोर्ट कर लीजिए। अब आपको सेकंड जो क्लिप है उस पर काम करना है, वर्क करना है। तो जहाँ से आपका सेकेंड क्लिप स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका आगे का पार्ट जो है हम काट देते हैं। तो यहाँ से हमारा जो सेकेंड क्लिप है वो चालू हो रहा है, तो देखिए वो कहाँ ख़त्म हो रहा है, जहाँ कैमरा ख़त्म होगा तो यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ से हम इसको भी जो है इधर का पार्ट डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से जो है आपको पूरा क्लिप पे वर्क करना है, एक एक क्लिप पे वर्क करना है। इससे आपको आसानी होगा, आपको जो एनिमेशन वगैरह देना है तो उस पर आपको जो है आसानी से आप पूरा काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो वीडियो है जो आपने एक्सप्रेशन के साथ शूट किया है तो उस वीडियो को इंपोर्ट कीजिए। यहाँ आप जो है ये क्योंकि मैंने पूरा प्लेस करके रखा है तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको जो है आपका जो भी वीडियो है उसको आप परफेक्टली जिस जगह में आपको सेट करना है हीरो के जगह में, तो उसको आपको जो है सेट करते जाना होगा। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको काइन मास्टर में मैं जो है अपना कोई भी काम, अगर काइन मास्टर इस तरह से दोस्तों आप एक एक क्लिप पे काम कीजिए, परफेक्टली उसको करते जाइए और सेव करते जाइए, और जब आपका पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसको फिर एक साथ जो है एक लाइन में आप सेट करते जाइए, और उसके बाद में आप एक साथ में जो है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपको सेकेंड क्लिप में भी इस तरह काम करना है, चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह आपको पूरे क्लिप में जो है आपका वीडियो को एडिट करना है, तो इस तरह से जो है आपको पूरा एडिटिंग परफेक्ट करना है। दोस्तों अगर मैं पूरा एडिटिंग अगर आपको बताना चाहूँगा तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, और मैंने खुद जो है कंप्यूटर में जब इस वीडियो को एडिट किया है तो मुझे 2 हफ्ते से भी ज़्यादा टाइम लगा है, तो आप समझ सकते हैं कि एडिटिंग में कितना टाइम लगता है। तो आपको जो है मैं पूरा बैकग्राउंड वीडियो और जो फ्रंट लेयर है जो इरेज किया हुआ है वो आपको मैं दे रहा हूँ, और आपको जो है आपका परफेक्ट एडिटिंग करना है। पूरा प्रोसेस जो है मैं बता नहीं पाऊँगा, इसके लिए जो है मैं आप भी समझ सकते हैं कि कितना टाइम लगता है एक वीडियो को एडिट करने में, तो ये सारा चीज़ आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप पूरा एडिटिंग करने के बाद में जो है आप पूरा फाइल को एक्सपोर्ट कर लीजिए, और फ्रंट लेयर वाला वीडियो है उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये वीडियो अपना है, और यहाँ से लेयर में जाके जो आपका फ्रंट लेयर का वीडियो है उसको इंपोर्ट कर लीजिए, तो इसको जो है आप स्क्रीन में फिट कर दीजिए, और ये पूरा परफेक्ट टाइमिंग में आपको मिलेगा दोस्तों। तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपको जो है क्रोमा की कर लेना है इसमें। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आपका कोई भी सवाल है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अनन आर्मी के बारे में सुना, अकेला ही फौज के बराबर है।